अब ये रिसीवर टैंक में यहाँ पे वाल्व लग गया, यहाँ पे प्रेशर गेज है जिससे कि हम देखेंगे कि प्रेशर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों आज के डेट में हम सभी लोग इस बात को तो जरूर जान गए हैं कि गवर्नमेंट पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को लेकर के कितना सतर्क हो गया है। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो पॉल्यूशन का खास ध्यान रखा जाता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, बैग फिल्टर क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं और बैग फिल्टर किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में खास तौर पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो है ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दूसरा RABH यानी कि रिवर्स एयर बैग हाउस, और तीसरा जो मोस्ट कॉमन है वो है बैग फिल्टर्स। दोस्तों ESP और RABH के बारे में आपको बताने के लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैग फिल्टर के बारे में कि बैग फिल्टर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और किस तरह से यह कार्य करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैग फिल्टर क्या होता है। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में जब हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं और जब मटेरियल एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट पर जाता है, यानी कि मटेरियल जब ट्रांसफर होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रांसफर टावर। इस ट्रांसफर टावर पे जब मटेरियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है और फॉल ऑफ हाइट ज्यादा होने के कारण वहां पे जो है मटेरियल जो है स्प्रेड आउट होकर के डस्ट बाहर निकलता है, तो वैसे वैसे जगहों पर ही हम डस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बैग फिल्टर में जो है सीरीज ऑफ बैग्स लगे होते हैं जिसके की थ्रू डस्ट आता है और सेपरेट हो जाता है। डस्ट जो है हम रियूज कर लेते हैं और जो फ्रेश एयर होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे कि बैग फिल्टर्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों सबसे नीचे में जो आप देख रहे हैं बड़ा सा ओपनिंग वो है इनलेट, यानी कि जो सक्शन डक्ट होता है वो पॉल्यूटेड एयर को लेकर के यहीं से बैग में एंटर करता है, और ऊपर में जो है ये आउटलेट का पोर्ट है। जब ये डस्ट जो है सेपरेट हो जाता है तो फ्रेश एयर यहीं से निकलता है। फिर हम देख रहे हैं कि पर्जिंग पाइप्स लगे हुए हैं, ट्यूब सीट लगे हुए हैं जहां पे हम बैग फिल्टर के केज लगाते हैं, पर्जिंग पाइप्स जहां से हम एयर प्रेशर देते हैं, और यहां पे लगे हुए हैं डायफ्राम्स, डबल डायफ्राम वाल्व। यहां से एक्सेस डोर है जहां से हम बैग्स चेक करते हैं, और सबसे नीचे है एयर हॉपर जहां पे कि डस्ट कलेक्ट होता है, और उसी हॉपर में एक हॉपर डोर लगा होता है। जब भी कभी अगर मान लीजिए हॉपर हमारा जाम होता है तो उसी डोर के थ्रू हम इंस्पेक्शन करते हैं। दोस्तों ये तो हमने देखा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब हम देखते हैं कि इस बैग फिल्टर्स में कौन से कंपोनेंट है जो कि हमें बार बार रिप्लेस करने होते हैं जब वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें मेनली तीन ही कंपोनेंट होते हैं जिसको कि हम रिप्लेस करते हैं जनरली। पहला है बैग जिसे हम फिल्टर बैग बोलते हैं, दूसरा है फिल्टर केज, और तीसरा है डबल डायफ्राम वाल्व। फिल्टर बैग, दोस्तों फिल्टर बैग जो होता है वो पोरस मटेरियल का बना होता है जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और ग्लास फाइबर। हम बैग फिल्टर कहाँ यूज कर रहे हैं, कोल मिल में, सीमेंट मिल में या फिर रॉ मिल में, इसके हिसाब से हम इन बैग्स की क्वालिटी चेंज करते हैं। जब इन बैग्स का पोरोसिटी खत्म हो जाता है यानी कि डस्ट को कलेक्ट करने की कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तब हम इस बैग को चेंज कर देते हैं। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों वायर केज। दोस्तों वायर केज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं बैग्स को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों इन वायर केज के ऊपर में एक वेंचुरी लगी होती है जो कि पर्जिंग एयर को इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन वेंचुरी से हमें एक और फायदा यह होता है कि ये जो बैग्स होते हैं वो बैग्स के कॉलर को डैमेज होने से बचाते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रिप्लेसेबल पार्ट जो है वो है अपना डबल डायफ्राम वाल्व। दोस्तों इसी डबल डायफ्राम वाल्व के थ्रू ही जो पर्जिंग एयर है वो कंट्रोल्ड वे में बैग फिल्टर्स के अंदर जाता है और वो
यूज होता है बैग्स के क्लीनिंग के लिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बैग फिल्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों बैग फिल्टर जो भी डस्टी एयर को सक्शन करता है वो जो है आप इसमें देख रहे होंगे जो रेड एरो है वहां से वो डर्टी एयर जो है बैग फिल्टर के अंदर इंटर करता है और वो बैग्स के ऊपर चिपक जाता है और वहां पे चिपक जाता है एक केक बना लेता है ठीक। और फिर जब एयर पर्जिंग ये जो रिसीवर टैंक है इस रिसीवर टैंक में एयर होता है और ये पर्जिंग पाइप के थ्रू कनेक्ट होते हैं इसमें जब वो डबल डायफ्राम वाल्व के थ्रू कंट्रोल वे में पर्जिंग होता है तो क्या होता है दोस्तों बैग्स के ऊपर में जो भी डस्ट केक होते हैं वो जो है छूट करके हॉपर में गिरता है और वो रोटरी एयर लॉक के थ्रू आगे निकल जाता है कन्वेयर से और जो फ्रेश एयर है वो बैग्स के ऊपरी पोर्शन से बाहर निकल के यहां जो नीला एरो देख रहे हैं यहां से डर्टी जो फ्रेश एयर है वो बाहर चला जाता है। समझ गए दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूं ये जो लाल निशान जहां से आप देख रहे हैं यहां से पॉल्यूटेड एयर जो है वो बैग फिल्टर के अंदर जाता है और बैग्स के ऊपर में डस्ट का केक बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है जो यहां ये जो रिसीवर टैंक आप देख रहे हैं इस रिवर्स रिसीवर टैंक में एयर होता है जिसे कि हम पर्जिंग एयर बोलते हैं वो पर्जिंग एयर डबल डायफ्राम वाल्व के थ्रू बैग्स के अंदर पर्जिंग करते हैं यानी पर्जिंग यानी कि एयर का प्रेशर डालते हैं। उससे क्या होता है जो भी बैग्स के ऊपर केक होते हैं वो वाइब्रेशन के कारण छूट जाते हैं और वो हॉपर में गिर जाते हैं और जो भी फ्रेश एयर होता है वो बैग्स के इंटरनल पार्ट से बाहर निकलता है और ये जहां से नीला एयर देख रहे हैं यहां से फ्रेश एयर जो है एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्किंग है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसके ऑपरेशन के समय हम कौन कौन से खास चीजों को ध्यान रखते हैं। पहला जो ये बैग फिल्टर ऑपरेट होता है वो अपने डिजाइन फ्लो रेट में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा जब भी हम बैग फिल्टर को इस्तेमाल करें तो उसमें जो पर्जिंग एयर हम यूज करते हैं उसका प्रेशर हम 2.5 kg से लेकर के 5 kg तक ही रखें। अगर हम इसका पर्जिंग एयर का जो प्रेशर है वो अगर 5 kg से ऊपर रखते हैं तो क्या होगा हमारा बैग फिल्टर्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बैग फिल्टर जो हमारा डैमेज भी होगा फिल्टर बैग। इसमें जो दोस्तों पर्जिंग होता है जो पल्स टाइमिंग होता है वो लगभग 90 से 120 मिली सेकेंड का होता है और इसका ऑन ऑफ टाइमिंग जो है वो 8 से 15 मिली सेकेंड का होता है। तीसरा ये एज पर डिजायर्ड पैरामीटर ही हम इन बैग फिल्टर्स को यूज करें जो भी हमें वहां पे टेम्परेचर कंसर्न्स होता है उसको हम रिलीजियसली फॉलो करें। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि जो हम मैंने अभी तक आपको बताया है कि बैग फिल्टर कैसे कार्य करता है उसी को हम एक 3D एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्किंग है बैग फिल्टर का आप देख रहे हैं यह है पर्जिंग पाइप रिसीवर टैंक और ये ऊपर से डोर लग गए। अब ये रिसीवर टैंक में यहाँ पे वाल्व लग गया यहाँ पे प्रेशर गेज है जिससे कि हम देखेंगे कि प्रेशर पर पल्स एयर प्रेशर जो हम कितना सेट कर पाते हैं। देखिए किस तरह से रिसीवर टैंक में एयर जा रहा है ये पर्जिंग पाइप्स के थ्रू पर्जिंग हुआ जो बैग फिल्टर्स के अंदर में जाता है डस्ट रिमूव हो गया बैग से। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक।